मैं ये बोलना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, एंड सेकंड थिंग या फर्स्ट थिंग कि इससे ना काफ़ी लोग एनलाइटन होंगे। दूसरा बात ये कि अभी जो हम लोगों की स्टीरियोटाइप सोच है कि लड़का है तो लड़की से ही प्यार होना चाहिए, ये मतलब कोई गॉड का बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। प्यार किसी से भी हो सकता है, इट्स लाइक डिवाइन, कहीं से भी हो सकता है, वो बस होना एसेंस होना चाहिए उसका। तो वो बहुत अच्छा इसके अंदर लगा, एंड मेरे को कहीं से भी कहीं तक कुछ ऑड नहीं लगा इसके अंदर, सब बहुत अच्छा। स्क्रीन प्ले, राइटिंग और जिस तरीके से एग्जीक्यूट कर रखा था वो सबसे बेस्ट। अभी मैं अपनी फ्रेंड से वही बात कर रहा था कि 2 घंटे कहाँ निकले मेरे को पता ही नहीं चला। गाने अच्छे, सब अच्छा, मतलब कोई कुछ कमी नहीं मेरे को लगी इसके अंदर, बहुत अच्छी है। एक जो मतलब राजकुमार की तो अब वो तो, और जहाँ तक सोनम की बात है तो उन्होंने भी बहुत ही अच्छा करा, कोई कमी नहीं है। गाने बहुत अच्छे हैं, मेरे को वो जो टाइटल है वो तो है ही मस्त, बाकी जो उसका फर्स्ट सॉन्ग जो है गुड नाल वो भी काफ़ी अच्छे से एग्जीक्यूट करा हुआ था, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। आप कितना स्टार देना चाहेंगे? 6 out of 5। So movie was nice. The concept was really nice, but the way it's portrayed, it's too dramatic. It's too Bollywood basically. Too much drama to take. Otherwise everything is nice, I think. The concept was really nice. The acting was really nice. People have done a good job. Anil Kapoor was fabulous, I feel. बहुत ही अमेजिंग मूवी है, और मुझे ऐसा लगता है कि LGBT कम्युनिटी के लिए इंडिया में ये फर्स्ट टाइम कोई ऐसी मूवी बनाई गई है। सो हैट्स ऑफ टू विधु विनोद चोपड़ा, एंड थैंक यू कि उन्होंने हमारे लिए ऐसी मूवी बनाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे ऐसी मूवी दिखाना, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सोनम कपूर बहुत अच्छी थी, सोनम कपूर की फिल्म चॉइसेस बहुत ही अमेजिंग है, नीरजा, फिर उसके बाद वीरे दी वेडिंग, फिर उसके बाद अभी एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा इट्स अमेजिंग। ये फिल्म ऑब्वियसली ये मैसेज देने वाला है कि प्यार प्यार होता है, चाहे वो किसी से भी हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, कोई भी हो, प्यार तो प्यार ही होता है यार, प्यार के आगे कुछ भी नहीं होता। फिल्म में गाने बहुत अच्छे हैं, मेरा फेवरेट तो टाइटल ट्रैक है एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। 5 on 5। मूवी बहुत अच्छी थी, कंटेंट अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। एक स्टोरी थी जो रियल लाइफ होती है, जो रियल लाइफ होती है, जिन्हें लोग एक्सेप्ट नहीं करते वो था, और आखिर में उन्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। एक लड़की और एक लड़की मोहब्बत कर सकते हैं यार। सोनम कपूर की कैरेक्टर एक लड़की था, अच्छा लगा, उनका भी कैरेक्टर अच्छा था। अपना अनिल कपूर सर माइंड ब्लोइंग सर, मानना पड़ेगा, आपका भी एक्टिंग अच्छा था, सबका एक्टिंग। राज कपूर माय फेवरेट, मज़ा आ गया देख के, अच्छा लगा, सब ठीक था। गाने बहुत अच्छे थे, सैड भी थे, रोमांस भी थे, स्टार्टिंग में पंजाबी वाला सॉन्ग था वो ज़बरदस्त पसंद आया। 5। मूवी बहुत अच्छी लगी, सिंपल थी, डिसेंट था, कुछ ओवर नहीं था, बट सबसे अच्छी चीज़ है कि होमोसेक्सुअल बायोसेक्सुअल्स के बारे में और कोई खुल के सामने आ रहा है, तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और फाइनली हजम हो जाती हैं चीज़ें। उनकी केमिस्ट्री अच्छी थी, उनकी फ्रेंडशिप अच्छी थी, केमिस्ट्री उनकी नहीं थी, क्योंकि ये लेस्बियन बताए हैं इसमें, सोनम कपूर का जो कैरेक्टर है वो लेस्बियन है, बट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, सिंपल है, बहुत अच्छा लगता है कि बहुत अच्छा मैसेज है कि एक्सेप्ट करना चाहिए जो जैसा है उसको, तो आई थिंक इसके बाद लोग एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे अगर इस फिल्म को देखेंगे, जो फैमिलीज इस फिल्म को देखेंगे ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे। म्यूज़िक भी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, 3.5/4। मूवी अच्छा था और उसके कैरेक्टर्स अच्छे थे, मूवी के बेसिकली मूवी का टॉक तो अच्छा था। कितने स्टार देना चाहोगे? 3.5। द स्टोरी इज गुड, स्टोरी लाइन इज फाइन, बट इट्स टू मच ड्रामा, आई मीन ओवर एग्जैजरेटेड, मे बी समटाइम्स इट डज हैपन, बट आई थिंक इट्स अ टिपिकल बॉलीवुड मूवी एंड यू कैन एक्सपेक्ट वॉट विल कम नेक्स्ट एंड वॉट इज गोइंग टू हैपन एज एन ऑडियंस। द कैरेक्टर वॉज गुड, बट आई डोंट थिंक एनी वन कैन बीट अनिल कपूर इन एनी मूवी, एंड येट अगेन ही इज डन अ ग्रेट जॉब। गाने ठीक है, उतने नॉट टू अपीलिंग, बट आई थिंक द स्टोरी लाइन इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन द सॉन्ग्स, दैट this is reality, there's nothing wrong in it, and people just need to start accepting it. People know about it, know about this topic now, you just need to start accepting it. 3 to 3